कहते हैं कि जब अंग्रेज़ इस तोप को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो दे वेर हाईली अनसक्सेसफुल, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ इस तोप को यहाँ ऊपर से यहाँ लाने में कामयाब हुए थे। बस इसके अंदर यहाँ पे जब ताली बजाने से, यहाँ पे मतलब हाथ से ताली जब बजाएंगे तो इसकी आवाज़ वहाँ पे जाती है, वो बुर्ज के पास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, अभी मैं जहां पे खड़ा हूं, जस्ट इसके बगल में ऊपर में एक माली के मैदान के नाम से एक तोप को बनाया गया है, जो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी तोपों में से एक है। चलिए अंदर जाके इस तोप को देखते हैं और इसकी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यस, चलो मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो रास्ते जा रहे हैं ऊपर के लिए, मतलब दोनों उधर ही जाते होंगे आई एम श्योर। एक्चुअल में ये जो है किला है और उसका एंट्रेंस वहाँ से है, एज यू कैन सी। जैसे कि आपको मैंने वेल्लोर फोर्ट के बेस्टियन वॉल्स को दिखाया था, वहाँ में पूरे एक एक सिंगल पत्थर को रख के बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे जॉइन करके बनाया गया है। रिनोवेशन का भी काम हुआ है लगता है। और यहाँ से हम लोग ऐसे अंदर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब आप लोग यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ में कुछ पर्शियन इंस्क्रिप्शन दिखेगी और उसके बगल में दो शेरों को बनाया गया है, लायंस को, और लायन के बीच में एक चांद और सूरज को बनाया गया है, विच रिप्रेजेंट्स के दिन और रात। मतलब ये जो इनकी सल्तनत थी आदिलशाहियों की, उस सल्तनत को यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ या फिर उसके फ्यूचर को दर्शाने की कोशिश की गई है, और उसी के बारे में यहाँ पर्शियन में इंस्क्राइब किया गया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर पढ़ सकते हो। आप अगर गौर से नोटिस करोगे तो इस शेर के बगल में एक छोटे से शेर को भी बनाया गया है। हो सकता है दे आर ट्राइंग टू डिपिक्ट के उन शेरों के बच्चों को, क्योंकि उस ज़माने में इसी तरह के यू नो स्कल्पचर्स के ज़रिए से स्टोरीज़ को या फिर क्या हो रहा है वाकयात उनको दर्शाने की कोशिश की जाती थी। अब सबसे पहले ऊपर चलते हैं। इस एरिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग इस तोप को देख लीजिए। दोस्तों, इस माली के मैदान तोप को 1549 में टर्किश इंजीनियर मोहम्मद बिन हुसैन रूमी ने सुल्तान ऑफ अहमदनगर बुरहान निज़ाम शाह के लिए बनाया था। बुरहान निज़ाम शाह अली आदिल शाह के ससुर थे, जो बीजापुर के सुल्तान हुआ करते थे। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस तोप को अली आदिल शाह यानी कि अपने जमाई के लिए उन्होंने बनवा के तोहफे के तौर पे दिए थे। दोस्तों, इस तोप को तलीकोटा की जंग में इस्तेमाल किया गया था विजयनगर एम्पायर के खिलाफ, और जीत के बाद इस तोप का नाम माली के मैदान रखा गया था। दोस्तों, इस तोप के ऊपर तीन इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं। पहली दो इंस्क्रिप्शंस इसके बनाने के बारे में और बनाने वाले के बारे में, यानी कि मोहम्मद बिन हुसैन अल रूमी के बारे में लिखी गई है कि उन्होंने 1549 में इस तोप को तैयार किया था। और इस तोप के ऊपर आखिर में एक और इंस्क्रिप्शन है
जिसको औरंगज़ेब आलमगीर के हुक्म से लिखा गया था कि ये तोप और ये पूरा बीजापुर का इलाका 1686 की जीत के बाद अब मुगलिया सल्तनत की हुकूमत के अंदर आता है। और यहाँ में है वो होल जिसके अंदर से थोड़ा बारूद डाल के उसको जलाया जाता था, तब ये तोप फायर करती थी। और दोस्तों, अगर आप इस तोप के इस तरफ में आप देखोगे तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, ये जो है साइड से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये एक मगरमच्छ का मुंह बनाया गया है। सामने से देखोगे तो ये शेर दिखेगा, लेकिन ये मगरमच्छ का मुंह बनाया गया है क्योंकि इसके मुंह में बहुत सारे दांत हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप एक और चीज़ ये भी देखो, नोटिस करोगे कि इस मगरमच्छ के मुंह के अंदर एक हाथी है। गौर से देखने पे आपको पता चलेगा एक हाथी है, और साथ ही एक हाथी के साथ एक घोड़े के भी पैरों को बनाया गया है। ध्यान से देखो, और कहते हैं कि इस तोप को जिसका वज़न अराउंड 55 टन है, यानी कि 55,000 kgs, इस तोप को अहमदनगर से यहाँ तक 100 हाथी और 100 घोड़ों, ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से रिवायतों में कहते हैं, मगर कई जानवरों का इस्तेमाल करते हुए इस तोप को यहाँ तक लाया गया था। एंड हैरानी की बात यह है कि आज तक ये तोप जंग नहीं हुई है, मतलब ये बारिश में धूप में ऐसे ही बस पड़ी है अभी, लेकिन अभी ये जंग नहीं हुई है। कुछ हिस्टोरिकल ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स में इस तोप के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ इस तोप को लेके इंग्लैंड लेके जाना चाहते थे, बट वो लोग नहीं ले जा पाए क्योंकि इसका मैसिव साइज़ इतना है, 55 टन है। जस्ट इमेजिन करो 55 टन का एक सिंगल पीस तोप, और इसको एक ही सिंगल पीस में बनाया गया है, सिंगल पीस, कहीं पे कोई जॉइंट नहीं है। कैन यू इमेजिन एक सिंगल पीस का इतना बड़ा तोप? तो जस्ट इमेजिन करो कि कुलमी में जब उन लोगों ने इसका माउल्ड तैयार करके इतना 55 टन का लोहे को पिघला कर, यू नो, एक ढांचे, एक सांचे में डाल के, मतलब इसको तैयार करना, और फिर इसी तोप के ऊपर में जो ये कुरान की आयतें वगैरह लिखी गई हैं, इनको जब ये गर्म थी तोप तभी उसको तराशा गया है, वरना जैसे ये हार्ड हो जाता है, ये तो पंच धातु से बना हुआ तोप है, मेटल है, तो इसके ऊपर नक्काशी करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब ये गर्म रहा होगा तभी उसके ऊपर वो इंस्क्रिप्शन बनाई गई है, एंड दैट टू इट्स सो ब्यूटीफुल एंड एक्यूरेट। दोस्तों, एक और चीज़ आप यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, यहाँ पे इस तोप का एक पुल्ली हैंडल जो है ना, टूटा हुआ है ये वाला। और कहते हैं कि जब अंग्रेज़ इस तोप को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो दे वेर हाईली अनसक्सेसफुल, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ इस तोप को यहाँ ऊपर से यहाँ लाने में कामयाब हुए थे। बस इतने में ही उनकी हवा टाइट हो गई अंग्रेज़ों की, और उन लोगों ने बोला कि भाई बस करते हैं, ये हिंदुस्तानी लोग मतलब इतना क्या इतना स्ट्रांग हैं कि ऐसी तोप को अहमदनगर से बनवा कर, अहमदनगर जो लगभग 400-500 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ पे ऐसी तोप को बना कर यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करके, न सिर्फ ट्रांसपोर्ट किए बल्कि इस किले के ऊपर में यहाँ पे खड़ा तक कर दिए। और इस तोप की एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ में आप नीचे में देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ में सामने में, ये है इस तोप का स्टैंड कह लीजिए, जिसके ऊपर इस तोप को पोजीशन करके खड़ाया जाता था फायर करने से पहले। आराम से, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अभी आपको ये वीडियो में देखने से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आराम से मैं इसके अंदर, यू नो, लेट के आराम से लास्ट तक जाके वापस आ सकता हूँ, इतना बड़ा इसका मुँह है। तो जस्ट सोचो, देखो इतना बड़ा मुंह है इसका, आराम से कोई भी अंदर जाके बाहर आ सकता है। तो आप लोग इस बात को ज़रूर याद रखना कि
कि इस तोप को सिर्फ एक गोले को फेंकने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये बहुत सारे छर्रे यानी यू नो बॉल्स के, जैसे शॉटगन्स में होते हैं ना पैलेट्स, उस तरह के पैलेट्स को फायर करने के लिए बनाया गया था, जो डेवेस्टेटिंग होता किसी भी सामने वाली फौज के ऊपर। यूजुअली जो होता है ना, यूजुअली जो और दूसरी जो तोप होते हैं वो लंबे होते हैं, ताकि उसका अंदर का जो तोप का जो वो गोला है वो गोला दूर तक जाए और गिरे और डैमेज क्रिएट करे। लेकिन ये लंबा भी नहीं है ज़्यादा, इस तोप की विड्थ के हिसाब से इसकी लंबाई काफ़ी कम है। दैट मीन्स कि इसको पैलेट्स को फायर करने के लिए ही बनाया गया था। अब चलते हैं ऊपर, और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक बुर्ज है और इसके ऊपर में भी तोप रही होगी, आई एम श्योर, 100% श्योर। और इस तोप का वहाँ पे एक पॉइंट बनाया गया, लेकिन ये तोप जो थे ये सब छोटे तोप थे। अभी जो हम लोग वहाँ से आए हैं, वहाँ पे हैं जोड़ी गुंबद, और ये है किले की आउटर वॉल, ये मतलब सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन है। और यहाँ में पूरा एक मोट बना है, बहुत बड़ा डीप डिच मोट बना है। और दोस्तों ये तो पहले यहाँ नहीं, यहाँ थी ऊपर में। देखो इस तोप की एक्चुअल जगह ये नहीं, ये है, क्योंकि यहाँ पे दो लाइंस आपको ये जो ग्रुप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर में दो दो तीन तीन लोग होते खड़े होते थे, और इस तोप को पोजीशन करने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल किया जाता था। और वो लोग अंदर में कुछ लीवर टाइप होता था जिसको पुश करके वो लोग इस तोप का डायरेक्शन चेंज करते थे। तो इस तोप को ज़्यादातर इसी डायरेक्शन के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ में पीछे में दीवार है तो ऑब्वियसली पीछे तो फायर नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आप इस तोप यहाँ में सेंटर में जो ये यहाँ एक होल दिख रहा है, उस होल के अंदर में एक वी की तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर होता था, जिसके ऊपर इस तोप को बिठा कर पोजिशन किया जाता था। और साथ ही साथ यहाँ में आप एक पीछे में वहाँ में एक कुआ है, समझो एक 10-15 फीट का डीप होगा उसका, वो कुएं का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता था कि जब इस तोप को फायर करने वाला जो आदमी है, जो बत्ती पे आग लगाता है, वो आग लगाने के बाद इमीडिएटली जाकर उस कुएं के अंदर छलांग लगाता था, सो दैट, क्योंकि इस तोप को फायर करने के बाद इसकी आवाज़ लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक दूर जाती थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई डायरेक्टली खड़ा हुआ है तो उसके तो कान के पर्दे ही फट जाते होंगे, ठीक है। तो इसलिए इस बिना पर वो आदमी वहाँ पे बत्ती में आग लगाकर, और साथ ही साथ इस फायर तोप की जो फायर होती थी उसके अंदर से जो शार्पनल्स निकलते थे आसपास में, तो उससे भी आग लगने का खतरा होता था, इसलिए वो आदमी जाकर उस कुएं के अंदर में छलांग लगाता था। अभी तो वह जगह बंद है, लेकिन यही इस जगह की हिस्ट्री है। और अंग्रेज़ों को कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे इस तोप को ले जाने की कोशिश की थी, तो उन लोगों ने यहाँ से यहाँ तक एक लकड़ी का रैंप सिस्टम बनाया था, और उसी रैंप सिस्टम को यूज़ करने के बाद उन लोगों ने उस तोप को वहाँ से यहाँ तक रोल करके यहाँ तक लेके आए थे। और आप यहाँ पे देख सकते हो उसी रोलिंग के दौरान इस तोप का यहाँ पर एक राइट साइड का एक हिंजस जो है वो डैमेज हो चुका है। और अंग्रेज़ों ने यहाँ तक तो ट्रांसपोर्ट किया इस तोप को, लेकिन ये लोग बाहर नहीं ले जा पाए किले के, क्योंकि यहाँ में बाहर में पूरा एक डीप डिच है और मोट है, मतलब खंदक है यहाँ पे पूरा। तो 55 टन की तोप को उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस ज़माने में कि वो लोग इसको यहाँ से बाहर ले जा पाते, इसलिए उन लोगों ने इसको यहीं पे छोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक पत्थर में ये जो एक स्क्वायर सा ये देख रहे हो, इसके अंदर यहाँ पे जब ताली बजाने से, यहाँ पे मतलब हाथ से ताली जब बजाएंगे तो इसकी आवाज़ वहाँ पे जाती है, वो बुर्ज के पास, जूम करके दिखाता हूँ देखो। और वहाँ के जो सिपाही हैं उनको यहाँ से सिग्नल मिल जाता था फायर करने के लिए तोप को, तो इस तरह से कुछ तोप को चलाया जाता था। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री इस माली के मैदान तोप की। माली के मैदान का मतलब होता है द कॉन्करर ऑफ
फील्ड या फिर जंग के मैदान को डोमिनेट करने वाला। और ये तो किसी तरह से और इसीलिए डिज़ाइन की गई थी ताकि ये जंग के मैदान को पूरी तरह से डोमिनेट कर दे और दुश्मन की फ़ौज को पूरी तरह से डेसिमेट या तबाह और बर्बाद कर दे। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, यानी कि बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।